इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप अपने प्ले स्टोर से जीमेल आईडी को आप कैसे लॉग आउट कर सकते हैं, उसे आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप भी अपने प्ले स्टोर से आप अपनी जीमेल आईडी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसे कैसे आप लॉग आउट कर सकते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर आना है और यहाँ पर देखिए, चलिए हम अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, ऊपर देखिए कॉर्नर का आइकन है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो देख सकते हैं जो हमारा जीमेल अकाउंट है वो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, हमें दिख रहा है कि हमारा जीमेल अकाउंट है। अगर आपके पास एक से अधिक जीमेल अकाउंट है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वो आपको देखने को मिल जाएंगे कि हमारे जीमेल अकाउंट यहाँ पर है। बात करते हैं यहाँ से हम लॉगआउट करने की, तो देखिए सेटिंग का आइकन है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए हमें कोई भी ऐसा सेटिंग में कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे कि यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट को हम लॉगआउट कर पाए। लॉगआउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बाहर आना है और आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे देखिए अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यूजर से अकाउंट का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही देखिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सो यहाँ देखिए आपको गूगल ऑप्शन देखने मिलेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जो भी वहाँ पर अकाउंट होता है जहाँ पर प्ले स्टोर में, वो एक गूगल ही अकाउंट होता है। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, सो ये देखिए आपको जो अकाउंट दिख रहा है ये एक गूगल अकाउंट ही होता है। इसे चलिए यहाँ से बैक करते हैं और इसे लॉगआउट करने के लिए क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम क्लिक करेंगे और जिस भी अकाउंट को आप लॉगआउट करना चाहते हैं, अभी दोनों वहाँ पर साइन इन है तो उन्हें हटाने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ऊपर देखिए आपको दो बिंदु का ऑप्शन मिलेगा, नीचे रिमूव अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे, देन रिमूव पर क्लिक कर देंगे। सो आपका जो अकाउंट यहां से है ये रिमूव हो जाएगा। चलिए बैक करते हैं इसको हम यहां से, और इसके बाद देखिए यहां पर जैसे ही बैक करेंगे, अभी देखिए हमारे पास एक अकाउंट बचा हुआ है तो यहां पर हम क्लिक करेंगे और इसे भी यहां से हम लॉग आउट कर देते हैं। देखिए दो बिंदु पर हम क्लिक करेंगे और रिमूव अकाउंट पर हम क्लिक कर देंगे, रिमूव पर क्लिक कर देंगे, ये भी अकाउंट यहां से रिमूव हो जाएगा। चलिए हम यहां से बैक करते हैं, तो ये देखिए यहां से भी अकाउंट रिमूव हो गया। अब चलिए हम अपने प्ले स्टोर को ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए हम यहां पर नीचे आए और अब हम अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। सो अब यहां पर हम बैक होकर आए, अब देखिए चलिए यहां पर हम अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। सो अभी देखिए हम अपने प्ले स्टोर को यहां पर ओपन करते हैं और जैसे देखिए हम अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, सो यहां पर हमने जो भी अकाउंट को लॉगिन किया था वो यहां के सारे अकाउंट यहां पर लॉग आउट हो चुके हैं। अब देखिए हमें यहां पर साइन इन करने का आ रहा है, तो यहां पर साइन इन पर क्लिक करके हम एक नया अकाउंट बना सकते हैं या कोई दूसरा अकाउंट यहां पर हम लॉग इन करना चाहते हैं तो वो भी अपना दूसरा अकाउंट यहां से हम लॉग इन कर सकते हैं। सो इसी तरीके से आप भी अपने प्ले स्टोर से जो भी जीमेल अकाउंट लॉगआउट करना चाहते हैं वो इसी तरीके से आप भी लॉगआउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।